स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 बट एक्सरसाइज 2.5 है उसका डी पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स का ठीक है ना क्या करना है उसका ट्रू एंड फॉल्स है तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग डिविजन फैक्ट ये कहता है कि एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स ठीक है ना तो ये टू नॉन जीरो होल नंबर्स गिव द कॉरस्पॉन्डिंग डिविजन फैक्ट तो यहाँ पे बेटा दो फैक्ट होंगे हमारे पास एक तो होगा मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्ट ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्ट है तो एक फैक्ट हमारा ये है मान लीजिए नॉन जीरो होल नंबर पूछा है उसने नॉन जीरो होल नंबर टू डिस्टिंक्ट तो बेटा मान लीजिए फर्स्ट फैक्ट में क्या मैं ये नहीं है नॉन जीरो डिस्टिंक्ट होल नंबर नहीं है ये तो बेटा इस तरह से एक फैक्ट तो ये है तो बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है ना दूसरा अगर फैक्ट हम लेते हैं तो दूसरा फैक्ट है कि p कोई नंबर है वो डिवाइड करेगा p डिवाइड अनदर होल नंबर्स तो होल नंबर को p डिवाइड कर सकता है p डिवाइड अनदर होल नंबर्स तो दोनों फैक्ट से दोनों बेटा ट्रू है मेरे इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है कि एवरी मल्टीप्लीकेशन ठीक है ना एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स तो इसके अंदर दो फैक्ट बनेंगे दिस इज वन दिस इज टू तो बेटा ये दोनों ही फैक्ट ट्रू हैं तो मतलब फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है मेरा ट्रू पार्ट है इसके अंदर दो फैक्ट है दोनों ही पार्ट क्या है ट्रू पार्ट है सेकेंड है इफ ए इज ए होल नंबर एंड इट इज डिवाइडेड बाई अनोदर होल नंबर बी ए कोई होल नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है बी अनोदर होल नंबर को मान लीजिए ए मैंने 6 ले लिया और बी मैंने ले लिया 12 राइट ए डिवाइड कर रहा है बी अनोदर होल नंबर्स को विच इज ग्रेटर देन ए हमारा क्या है बड़ा है ले लो भाई ये ले लो Then the quotient is not equal to zero. क्या quotient उसका equal के बराबर नहीं आएगा तो जरूरी थोड़ा ही है मान लीजिए मैंने दो example ले लिया आपके पास 6 और 12 यहाँ से हमें क्या देखना है कि quotient जो है वो non zero आए तो हमने किया यहाँ पे क्या बना quotient 1/12 क्या बना 1/2 तो बेटा 1/2 बना क्या बना 1/2 तो 1/2 आया तो क्वेश्चन क्या आ गया ना क्या आ गया यहाँ पे 0.2 क्या ये रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा इसने यही कहा है कि नॉट इक्वल टू 0 कि 0 के इक्वल नहीं आएगा तो बेटा ये तो 0 के इक्वल आ सकता है क्वेश्चन हमारा 2 बच रहा है यहाँ पे क्या बचेगा क्वेश्चन 2 बचेगा रिमाइंडर भले ही 0 आए लेकिन इसने कहा है कि क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल वैल्यू के अंदर अगर स्मॉल वैल्यू है तो वहां पे क्वेश्चन हमारा 0 आ सकता है और अगर ग्रेटर वैल्यू है तो वहां पे हमारे पास 0 से ग्रेटर नंबर आने की पॉसिबिलिटी है तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है मेरा फॉल्स है क्या है बेटा फॉल्स है थर्ड है एनी नॉन जीरो होल नंबर्स डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वेश्चन 1 कोई भी नॉन जीरो होल नंबर ले लीजिएगा उसको डिवाइड करो उसी नंबर से क्या क्वेश्चन 1 आएगा तो मान लीजिए मैंने 2 ले लिया होल नंबर और इसने कहा है कि उसी नंबर से इटसेल्फ उसी नंबर से डिवाइड करो क्या क्वेश्चन 1 आएगा तो मैंने इसी नंबर से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया क्या आ गया क्वेश्चन 1 तो ये बात क्या है सही है थर्ड क्वेश्चन में क्या है ट्रू है क्यों है क्योंकि इसने कहा है कि कोई भी नॉन जीरो होल नंबर ले लीजिएगा और उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा क्या क्वेश्चन 1 आएगा तो आएगा जी क्वेश्चन 1 आएगा आ गया हमारा 2 को 2 से ही डिवाइड कर दिया क्योंकि इसने इटसेल्फ का ही नाम लिया फोर्थ पार्ट है देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट तो ये बात बिल्कुल सही है इसकी ए Divide B divide C is equal to A divide B divide C.
ये बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। तो फोर्थ जो है वो क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ क्या है इसमें। पैटर्न्स इन होल नंबर्स, तो पैटर्न का मतलब आप समझते हैं। डॉट एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है आपकी 2.5, तो इसको डॉट डॉट जो लगाते हैं हम इस तरह से, तो इसको पैटर्न बोलते हैं, राइट। 6 डॉट का है, 3 का है, ट्राइंगल डॉट बनाइए, रेक्टेंगल डॉट बनाइए, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पैटर्न, ऑपरेशन के क्या है पैटर्न्स, इसमें ऑपरेशन लगानी। ऑपरेशन आपके पास आपको पता है 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को कल ही स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि आज वो ना तो फिनिश हो पाएगी और ना ही वो स्टार्ट हो पाएगी ढंग से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पीछे आपका सिलेबस चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा सिलेबस को ना थोड़ा सा स्टार्ट करो तेज से, ठीक है।